الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح

बाप त, बाप तफील के सिलसिले में हम वही तरतीब जो है जिसको पिछ, आपने पिछले सबक में पढ़ा है सरफ सगीत उसको फॉलो करेंगे बल्कि सिर्फ बाप तफील नहीं आगे जितने भी अब आएंगे हम इसी तरतीब को जो है वो हम फॉलो करेंगे और इसी के लिहाज से हम मुख्तलिफ जो उस बाब में आएंगे आए हैं जैसे आज हम बाप तफी करने जा रहे हैं तो हम ये सारे सीध का जो औजान है जो पैटर्न है वो हम बाप तफी के हवाले से पढ़ेंगे ठीक है तो ये कौन कौन से होते हैं एक मिनट हम पहले एक स्लाइड जो है वो आगे चली गई है कौन कौन से सीगे जो है वो हम पढ़ते हैं सर्फ में हम जो अफल के सीगे पढ़ते हैं वो होते हैं फेले मादी मालूम जो एक्टिव फॉर्म होती है ठीक है फिर फेले मुदारे वो भी पह, पहली लाइन में आती है एक्टिव फॉर्म फे, आ, फेले मुदारे मालूम फिर जो दूसरी लाइन में पहला और दूसरा लफ्ज होता है वो फेले मादी मबनी लिल मजहल का होता है ठीक है जो दूसरा लफ्ज होता है दूसरी लाइन में पहला लफ्ज वो फेले मादी मबनी लिलमजूल का होता है फिर फेले मुदारे मबनी होता है ठीक है और फिर फेल मुदारे मबनी लिलमझहूल होता है और फिर तीसरी लाइन में पहला पहला लफ्स पहला सीगा जो होता है वो फेले अमर का होता है और फिर फेले फेले नह, नहीं होता है ठीक है और मजदर जो है वो पहली लाइन में आता है पहली और दूसरी लाइन में ये आपने देखा इसको हम पीछे पीछे लेके जाते हैं और देखते हैं ये देख लें यहाँ पे ये देख लें कि मजदर इसम के हवाले से हम मजदर का सीगा देखते हैं इसम पायल का सीगा देखते हैं इस मफूल का सीगा देखते हैं और इसम जर्फ का सीगा देखते हैं ठीक है ठीके? अब हम उधर जाते हैं जो हमारी सगीर का टेम्पलेट है ठीक है ये इसको गौर से देख लीजिए तीन लाइने हैं हर लाइन में तीन तीन आ, तीन सॉरी पहली दो लाइन में चार सीगे हैं चार डिफरेंट डिफर, वर्ड पैटर्न है ठीक है दूसरी लाइन में भी चार मुख्तलिफ शक्लें हैं मुख्तलिफ सी हैं और उसके बाद तीसरी लाइन में तीन हैं, है ठीक है टोटल ग्यारह देखने में ग्यारह है लेकिन असल में दस हैं, है क्योंकि मजदर दो दफा आ रहा है ठीक है अच्छा आगे चलते हैं और जो तरतीब हमने अभी पिछले सबक में पढ़ी है सगीर की उसको हम बाप तफील में देखते हैं कैसे आता है ठीक है बाप तफील आपने जब हमने सबक नंबर सताइस पढ़ा है जिसमें मजीद फीही का तारुफ हुआ था तो मजीद फी के सिलसिले में आपने देखा था कि मजीद फी के जो अबाब हैं उसमें कोई हर्फ जो है वो अः ज्याद, ज्यादा होता है एक एक या दो या तीन हर्फ जो है वो सलासी मजीद फी के अब्वाब में ज्यादा होते हैं याद है आपको आपने पूरा उसको सही से लाइव सेशन में भी बताया था कि सलासी मजीद फ अवाब में या तो एक या या दो या तीन हरूफ जो हैं वो हर अब आ, किसी न किसी अववाब अब, में ज्यादा होते हैं तो बाप तफ़ी में जो है वो आ, कौन आ, आ, कितने हरूफ हुर, का इजाफा होता है जा, मतलब ज्यादा होते हैं सलासी मुजरद के हवाले से सलासी मुजरद में तो कोई जायद आ, हर्फ नहीं होता फेले मादी में भी फेले मुदारे में भी लेकिन बाप तफी में एक हर्फ ज्यादा होता है ठीक है ना सही कहा आपने तो एक हर्फ ज्यादा होता है और वो कौन सा होता है वो जो लाम कलमा होता है सॉरी लाम कलमा आइन कलमा जो होता है सेकंड सेकंड बी दरमियान वाला जो आ, रूट लेटर होता है वो दो दफा आता है ठीक है बाप तफील में आइन कलमा यानी कि मिडल लेटर असल में हम आइन कलमा कैसे कहते हैं कि फाला के हवाले से फा -अ ला ठीक है जो बुनियादी हमारा फेल फेल है बुनियादी फेल है ना तो फा कलमा पहले हर्फ को कहते हैं और आइन कलमा दूसरे हर्फ को कहते हैं और लाम कलमा तीसरे हर्फ को कहते हैं ठीक है तो बाप तफील में जो है वो अः फिलहाल मादी में कल्मा दो दफा आता है ठीक है आइन कलमा दो दफा आता है आइन कलमे पे तशदीद होती है अब देखिए कि अगर मैं ये जो मादा है ये जजर अः आयन लाम और मीम इलम ठीक है इसको अगर सलासी मुजरद में करूंगी तो अलीमा यालमू होगा अलीमा यालमू कौन सी सलासी मुजरद का कौन सा बाप समिया लेकिन मैं अगर यही तीन हर्फ बाप तफहील में की आ, आ, उस ओजान पर डालूं तो फेले मादी में क्या होगा ये देखिए फेले मादी में होगा अलमा क्यों क्योंकि जो सेकंड लेटर है ये जो सेकंड लेटर है ये दो दफा आएगा ठीक है तो अलमा यु फेले मादी में दो दफा आएगा और फेले मुदारे में भी दो दफा आएगा लेकिन फेले मुदारे की अलामत भी आएगी ठीक है तो अल्लमा युअ अच्छा ये देखें कि फेले मुदारे में जो है ये दम्मा आ रहा है ये जो है ये एक रूल है सर्फ का एक रूल है कि जब भी मादी के सीगे में सोलासी रुबाई कोई भी आ, हो अगर पहले मादी के सीगे में चार हरफों चार हरफों चार हो जैसे यहाँ पे चार है ना आइन है और लाम लाम और मीन लाम पे तजदीद है तो लाम दो दफा गिना जाएगा ठीक है तो जब फेले मादी के सीगे में चार हरूफ हों तो उस बाब के उस लफ्ज़ के फेले मुदारे पे फेले मुदारे की अलामत पे दम्मा आएगा ठीक है ये रूल है रूल क्या है फेले मुदारे की अलामत पे दम्मा कब आता है उसका क्या कायदा है कायदा यह है कि जब फेले मादी में अः फेले मादी में चार हरूफ कसीगा हो तो फेले मुदारे में दम्मा आता है ठीक अच्छा आगे चलते हैं अल्लमा यु अल्लिमु, यु अल्लिमु ये इसके फे, फेल मुदारे का सीगा हो गया ठीक और ये भी याद रखिए ये जो दम्मा है ये तीन फैमिलीज में आता है अभी हम सेकंड फैमिली पढ़ रहे हैं बाप तफील बाप तफील जो है वो सेकंड फैमिली है जब हम तीसरी तीसरा बाप पढ़ेंगे सुलासी मजीद फी का और चौथा बाप पढ़ेंगे सलासी मजीद फी का तो उसमें आप देखेंगे कि उन उन दोनों के मुदारे फेले मुदारे की अलामत पे दम्मा है ठीक है तो अभी वापस इस पे आइए बाप तफील की हम सरफीर कर रहे हैं पहले मादी में लाम कलमा दो दफा आया है और तीनों हुर, चारों हरूफ पे फतह है ठीक है फिर उसके बाद अः फेले मुदारे में उसका क्या वजन है युफा इलू के वजन पे यू युअलीमो फिर इसकी जो अः मजदर है वो तफ इलून के वजन पे आएगा तफ इलून, तालीम तालीम ठीक है अच्छा हम आ, सर्फ सगीर में आ, 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 उसकी जो पैटर्न है पैटर्न की वजह से टेम्पलेट की वजह से हमेशा मजदर पे फता लगाते हैं लेकिन मजदर जब जुमले में आएगा किसी अरबी इबारत में इस्तेमाल होगा तो वो तीनों सूरते ले सकता है यानी कि रफा नसब और जर तीनों सूरते ले सकता है लेकिन हम सर्फ़ सगीर में हमेशा मजदर को जब बोलते हैं तो फतेह के फतेह तैन के साथ बोलते हैं ठीक है मा युअम तलीमन वाह हुआ अच्छा ये जो इसम फाइल का सीगा होता है आ, ये आपने देख लिया मजदर जो है मजदर बाप तफरी में तफी उनके वजन पे होगा ठीक है फिर जब इसम फाइल आएगा वो मुफ़ा इलून। अच्छा इसका एक आ, आसान तरीका यह भी है कि आप सिर्फ फेले मुदारे को आ, आप देखें और उसकी जो शुरू में आ, फेले मुदारे के शुरू में जो आ, फेले मुदारे की अलामत है उसकी जगह मीम लगाएं और दम्मा लगा बल्कि दम्मा भी लगाने की जरूरत नहीं है दम्मा पहले से मौजूद है तो मुअल्लिम वो इसम फाइल का सीगा बन जाता है ठीक है बाप तफ में आप सिर्फ़ पहले मुदारे को लें उसकी आ, मुदारे की अलामत को हटा के आ, मीम दम्मा, आ, दम्मा के साथ लगा दें तो वो क्या हो जाएगा इसम फाइल का सी अच्छा इसम फाइल फ़ा जो सलासी मुजरद में है वो भी फाइलुन का वजन होता है ठीक है यहाँ पे मुफाइलुन है तो ये जो इसम फाइल में न ये कसरा जो है वो उसका उसके लिए मखसूस है समझ ले ये इसम फाइल के सीगे में आप ना सिर्फ बाप तफी बल्कि और दूसरे बाप भी जो सलासी मजीद फी में आएंगे उसमें इसम फाइल के सीगे में आप ये कसरा देखेंगे ठीक है तो ये बात याद रखिएगा कि इसम फाइल के सीगे में एक कसरा आता है और ये यहाँ पे जो है वो इसको इसी तरीके से याद कर लीजिए तालीमन फाहुआ मअलिम ठीक है तालीमन फहुआ मु अच्छा अब हम आगे चलते हैं आ, इसको मिटा दू मैं एक मिनट ये ये बीच में आ रहा है इसको मिटा दू तो अब ये देखिए अब ये जो दूसरी लाइन में होता है वो मजहूल के सीगे होते हैं जिस पे काम हुआ उल्मा उसे पढ़ाया गया उसे सिखाया गया और ये जो आपने देखा मबनी लिल मजहुल का जो वजन होता है वो हमेशा फुइला के वजन पे होता है उल्लीमा, है वही है मबनी लिल मजहूल जो है वो फुइला, लेकिन क्योंकि ये बाप तफील से आ रहे हैं तो इसमें जो मिडिल लेटर है वो दो दफा आएगा ठीक है आइन कलमा दो दफा आएगा आइन कलमा दो दफा आएगा तो फु इला का वजन उस फु इला का पैटर्न को फॉलो किया लेकिन जो बाप की खसूसियत है यानी कि आइन कलमा दो दफा आना वो भी उसमें आ गई उल्लिमा यू युमो ये जो अल मुदारे मजहूल होता है वो युफा अलू के वजन पे होता है युफा अलू ठीक है युफा उलिमा युमु तालीमन फिर वो मजदर आया और फिर जो इस मफूल का सी आया वो मुअल्लमुन अब इसमें आप देखें ये मुअल्लमुन जो है ये फतेह के साथ है यहाँ पे आप देखने फता है ये भी अपने मुदारे जो पहले मुदारे मजहूल को फॉलो कर रहा है ये देखिए या हटाइए और मीम पे दम्मा अगर लगा दें तो मुआल्लम ठीक है तो इस मफूल मुआल्लम वो जिसे पढ़ाया गया ठीक है वो जिसे टीच किया गया जिसे पढ़ाया गया सही है अच्छा अब हम आगे चलते हैं तीसरी लाइन में क्या फेले अमर कैसे बनेगा फेले अमर देखिए के इस, आपको पता है फेले अमर के लिए आप अंता का सीगा लेते हैं फेले मुदारे का अंता का सीगा ठीक है अंता का सीगा लेते हैं मैं एक मिनट इसको मिटा दू यहाँ पे और फर्ज करें ये अंता का सीगा है ये हु, हु, हुआ का नहीं है यू अली नहीं है बल्कि तो अली है अंता का सीगा है ठीक है इसको मिटा दें। ये एक मिनट ऐसे फर्ज कीजिए ये तो अलिमो का सीधा है अंता का सीधा तो अमर बनाने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले मु, आ, ये मुदारे की अलामत ता गिरा देते ठीक है पहले मुदारे की अलामत ता गिरा देते हैं। और फिर इसको मजूम लाइट करना होता है तो तो अलिमू में जहां ज, जिन अफाल में दमा आता है उन अफाल को जब हम लाइटेस्ट बनाते हैं हल्का तरीन हल्का तरीन यानी के मजूम बनाते हैं तो उस पर जजम आ जाता है ठीक है ये हो बन गया अल्लिम. क्या हो गया अल्लिम. तो अम हमें पढ़ा जा रहा है इसमें कोई अः इजाफी अलिफ की जरूरत नहीं है ठीक है ना इज... तो इसलिए यही अमर का सीखा है अम सीखो सीखो ओ oh, uh, नहीं सॉरी सीखो नहीं तालिम होगा सीखो अम यानी के सिखाओ सिखाओ ठीक है फिर इसका नहीं का सीगा वही आप आ uh, जो है ता को वैसे ही रहने दें फेले नाही में तो ता ता, ता नहीं गिरता अलामत मुदारे नहीं गिरती तो uh, जो फेले नाही होगा वो अंता का सीगा होगा उसका मजूम हालत में और उसके आगे ला लग जाएगा तो ला तो ला तो ठीक है इस तरीके से हम पहले अमर और फेले नाही के सीगे हम बाब तफही में बनाते हैं ठीक तो अःमर मिन व ना ही अनहु ला तो वफ़ मिनहु अच्छा अब ये बात याद रखिए कि ये, ये जो सुलासी मजीद फी के जितने अबाब है ना उसमें जो इस मफूल का सी सॉरी जो जर्फ़ का सीगा होता है इस फ़ का जो सीगा होता है वो इस मफूल के सीगे पे मबनी होता है बिल्कुल वैसे ही होता है ठीक है जो इस मफूल का का वजन होता है वो ही ज़रफ़ का वजन होता है सलासी मजीद फी में तो माम जो है इस मफूल है और माम फिर ज़र्फ़ भी है के कि माम वो शख्स है जिसको पढ़ाया जाए इसी तरीके से अगर हम जर्फ के हवाले से देखें तो माम वो वक्त है जब पढ़ पढ़ाई हो पढ़ाया जाए या याम वो जगह है जहाँ पे पढ़ाया जाए ठीक है तो इस तरीके से हम इसके मायने पर असर होता है ठीक जब ये मफूल के सिरे में आता है या जर्फ के सिरे में आता है उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा इसको सबसे अहम बात जो सर्फ के हवाले से हमें करनी होती है वो ये कि हर फेल हर फेल के लिए हम उस बाप की ये सरफ सगी याद करते हैं और बार बार दोहराते हैं

ठीक है आप पॉज करके तीन चार दफा भी इसको पढ़ सकती हैं ठीक है आगे चलते देखिए इसका जो सर सर्थ शवीर में जिस तरीके से तरतीब से हम पढ़ते हैं उसका क्या वजह है ये अल्लमा ही टॉट उसने वो उसने सिखाया यू वो सिखाता है तालीमन तालीम तालीम आप ये भी कह सकती हैं अल्लामा वो तालीम उसने तालीम दी दीम वो तालीम देता है जैसा कि तालीम देना तालीम तालीमन जैसा कि तालीम देना तो वो है तो वो टीचर है ठीक है तो हम उर्दू में भी मुअल्लिम कहते हैं जो दर्स देता है मुदरस होता है कहते हैं ठीक है तो ये है ये चार्ट हम पहले शुरू सबक के शुरू में ही कर चुके हैं, ठीक है इसमें फिर से देख लें कि छह अफाल आते हैं सर्फ, आ, में और आ, चार असम आते हैं और मजदर जो आता है वो दो दफा आता है ये हो गया और अब हम हाँ ये जो अः ये इंग्लिश के नोट्स से ड्रीम की जो इंग्लिश बुक है वहां उसमें से लिया हुआ है क्योंकि उर्दू का जो है वो अभी सर्फ का तर्जुमा नहीं हुआ है ठीक तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बाब मुख्तलिफ बाब से अल्फाज आते हैं अलिमा यामू जो है जब वही जैसे अभी हमने ये मादा जो है जजर जो है वो आय लाम और मीम का पढ़ा ठीक है ये जब न, पहली आ, के फैमिली वन से आता है सॉरी एक मिनट ये मैं कीबोर्ड चेंज कर लू ठीक है तो ये देखिए जब ये फैमिली वन से आता है वही मादा वही जजर फैमिली वन से आता है तो इसका मतलब होता है जानना ठीक है जब फैमिली टू से आ रहा है ये तो इसका मतलब है पढ़ाना या तालीम देना तालीम देना ठीक है पढ़ाना या तालीम देना तो इस तरीके से अब जानना जानने का अमल खुद है ठीक है खुद इंसान जो है वो जान रहा है इल्म को ठीक है तो वो लाजिम है जानना जो है वो फेले लाजि है लेकिन आ, ये पढ़ाना किसी और को पढ़ाना तो वो मुतादी है तो इसी तरीके से ये जो रिटोरिकल इम्प्लीकेशन होती हैं यानी के मोबाल वो सॉरी बलागा की खसूसियात यानी कि मानवी आ, तब्दीलियां क्या आती हैं हर बाब में और वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हर लफ्ज के साथ आए लेकिन ज्यादातर अल्फाज जो बाप तफी से आएंगे उनमें कुछ खसूसियात पाई जाती हैं जैसे कि मुतादी होना ठीक है जब कोई भी फेल बाप तफील से आएगा तो वो मुतादी होगा वो फेल अगर वो फेल अगर स, फैमिली वन सलासी मुजरद में लाजम है तो बाप तफील में आता है तो वो मुतादी हो जाता है ठीक है नज़ला आंजिलु खुद उतरना नज़ला नजलांजलु खुद उतरना नजलाजिलु तरतीब वार उतारना किसी चीज को उतारना ठीक है ना ग्रेजुअली और रिपीटेटिवली तो ये इस बाप की खसूसियत जो बाप तफील की खसूसियत ये भी है कि रफ्ता रफ्ता बतदरीज बार बार ठीक है रफ्ता रफ्ता बतदरीज बार बार किसी काम का होना नजला जब कुरान पाक में नजला ये बाप तफही से नजला आता है तो वो उसका मतलब होता है कि तेईस साल में रफ्ता रफ्ता कुरान पाक का नजूल होना ठीक है तो क्या क्या खसूसियात हुई एक तो ये कि ये जब इस बाप से अल्फाज आते हैं तो वो मुतादी बन जाते हैं वो फेले मुतादी होते हैं उन, उस यानी कि उनके मायनों में ये होता है कि उस काम का असर किसी और पे होना ठीक है पढ़ाना यानी कि एक शख्स जो पढ़ा रहा है उस काम का असर किसी और पे हो रहा है ठीक है दूसरे ये कि बार बार किसी काम का बार बार होना और न, का, काफी देर तक होना टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा देर तक होना बार बार होना तरतीब बार होना और मुसलसल होना और बहुत देर तक देर तक होना ठीक है इसके अलावा इसमें मुबालगा भी होता है इसके अलावा इसमें मुबालगा भी होता है और मुबालगा किस तरीके से जैसे उसकी मिसाल ये है कि जैसे कतला जो है वो सोलासी मुजरद फैमिली वन से जब आता है तो उसका मतलब है मारना किसी को मार दिया ठीक है एक दफा किसी को मार दिया लेकिन कत्ला जो है उसका मतलब है कि वो जो आ, मसाकर के बहुत ही ब, बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों को एक साथ कत्ल करना ठीक है ना तो जब फेले ये बाप तफी से आएगा तो उसका मतलब है बहुत बड़े पैमाने पर हलाकत मारना कत्ले आम करना जब कतला आएगा तो उसका मतलब है कत्ले आम करना तो इसमें क्या है का तो क्या क्या चीजें हो गई एक दफा फिर से देख लीजिए कि फेल जो है हमेशा हर फेल के साथ ये सारी खसूसियात नहीं आती ये देख लीजिए कीप इन माइंड के आप ये हमेशा नहीं होती लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अल्फाज के साथ ऐसा होता है कि जब वो इस बाप से आए तो उनमें ये खसूसियात पाई जाती हैं कौन कौन सी कि वो मुतादी हो जाते हैं अफाल और इस बाब की आ, के सीगों में किसी काम का बार बार होना आ, आ, होता है मायने जो है वो बार बार होने के देता है और आ, काफी अरसे तक होने के देता है तरतीबार होने के देता है और मुबालगा होता है ठीक है मुबा तो ये खसूसियात है तो यहाँ पे हमारा सबक खत्म होता है आगे देख लेते हैं हाँ ये हम हम उसमें लाइव सेशन में करेंगे हम करेंगे ये कि मैं आपको दिखा देती हूँ करेंगे ये कि हम ये जो आ... और दूसरी मिसालें हम लेंगे जैसे ये ये मादा है जजर है जीम, वाव और दाल और उसको फिर उसकी सर्व सफी करेंगे युजविदु तजवीदन हुआ इस तरीके से तो ये सारी इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में करेंगे ठीक है यहाँ पे काम होता है ا دعاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته